अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4, न्यू बुक्स में 6.4। यह कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन? सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? जहां अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट डजंट मैटर, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। क्या है पहले इसको समझो, हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन आ जाए सब कुछ हो जाएगा। बेटा हमने अगर टीम बनानी है, लेट से मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, टीम बनानी है, टीम बनाने में पहले पर्सन ए का नाम लिखूं, फिर पर्सन बी का लिखूं, या पर्सन बी का पहले पर्सन ए का बाद में, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। पर टीम में पोजीशन है तो पड़ता है। आईपीएल देखा किसी ने क्या? आईपीएल कभी नोटिस करना, आईपीएल क्रिकेट के अंदर सबसे पहले लिखा होगा कैप्टन, लेकिन किसका होता है नाम? वाइस कैप्टन, फिर बाकी का होता है आगे, ऐसे होता है ना। सेम यहाँ पे, तो जहां आपका आगे पीछे करने से फर्क पड़ जाए वो क्या है? परम्यूटेशन। जहां फर्क ना पड़े वो कॉम्बिनेशन। सर अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें? कुछ ना करो बेटा, आपको जो भी टास्क दिए ये सोचो, अगर मैं इसके रिप्लेसमेंट कर दूं आगे या पीछे करूं ऑर्डर को, तो क्या मीनिंग सेम है या डिफरेंट? क्लियर? अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, सी एन कॉमा आर, तो बात एक ही है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। रेडी? ओके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। How many chords can be drawn through 21 points on a circle? 21 points एक circle पे कितने chords बनाए जा सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे करके है। A, B, C, D। सबसे पहले सवाल ये आता है कि यहाँ ये combination है permutation है, कैसे पता लगाओगे कि ये combination है कि permutation? कैसे सर? क्योंकि एक्सरसाइज 7.4 है इसलिए कॉम्बिनेशन, पेपर में 7.4 लिखी होगी ना। क्या सिलेक्ट करोगे? एक सिंपल है, सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, दो चीज़ें सिलेक्ट कर लो, कोई भी दो ले लो, कोई भी। बोला अगर ए और डी बोला है, अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँ उल्टा लिखूँ डी और ए, तो फर्क ये कॉर्ड के अंदर एडी बोलो या डीए बोलो बात सेम है, तो कोई फर्क है? नहीं है। जब फर्क नहीं तो वो क्या है? कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? 21C2 ये पॉइंट है, 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 21 फैक्टोरियल अपॉन 19 इनटू 2 फैक्टोरियल, 21 into 20 into 19, 2 factorial का 2 into 1, 210। क्लियर हुई बात? अब अगला क्वेश्चन कराने से पहले फॉर्मूला लिखवाना है। ये पॉइंट नंबर कौन सा था बेटा? कौन सा था बेटा? आगे हमने लिखा है, चलिए जो उन सभी पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट क्या है? एक फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान समझना, ये होता है एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी। अगर एन सी ए किसके इक्वल हो? एन सी बी के।
तो वहां एन ए प्लस बी के इक्वल होता है, एन किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी के, ओके यस और नो, ठीक है, एन सी ए एन सी बी, तो एन ए प्लस बी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर वन करेंगे, एन सी ए इक्वल है टू के, फाइंड लिखाओ राइट नाउ, यस एन सी एट एन सी टू फॉर्मूला है, एन सी ए किसके इक्वल, एन सी बी के, तो एन क्या होता है ए प्लस बी, तो देयरफॉर एन क्या हो जाएगा यहां पर बेटा, एन, अब एन सी एट किसके इक्वल आया, निकालना क्या था, यानी एन सी टू यानी टेन सी टू, टेन फैक्टोरियल अपॉन टेन माइनस टू फैक्टोरियल क्लियर होगी बात, डिटरमाइन एन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड में एन निकालना है, टू एन सी थ्री इज टू एन सी थ्री ट्वेल्व इज टू वन में है, करो अटेम अटेम करो पहले, किससे हुआ क्वेश्चन टू, नहीं हुआ चेक करो स्टेप्स, हो गया गुड, लगाओ इस पे फॉर्मूला, रेशियो मतलब क्या होता है, टू एन क्या हो जाएगा बेटा, टू एन फैक्टोरियल होल फैक्टोरियल, कई बच्चे ऐसे लिखेंगे टू एन फैक्टोरियल, इसका मतलब वो कि टू इंटू में एन फैक्टोरियल, पहली ये गलती, अपॉन में टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, पूरा अपॉन में एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, क्लियर इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई वन, कट गया कट गया, नीचे वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू ट्वेल्व, राइट। अब इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, पहले बताओ बड़ा कौन सा है, किसमें से कौन सा किसको काटेगा, इन दोनों में टू एन है ना, तो यहां एक्सपैंड होगा, डाउट, एक्सपैंड करो टू एन का क्या बनेगा, एक्सपैंड होके टू एन, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू, टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, यस और नो, अपॉन टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इन टू, इसको करो बेटा एन माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन में एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इज इक्वल टू ट्वेल्व बाय वन, याद क्लियर, क्या अब ये टू एन और एन कट सकता है, क्योंकि अब ये टू एन नॉर्मल नंबर है, एन और टू एन कट गया, कौन सा किससे, अच्छा ये यहां पर, हाँ ये भी कट गया, क्या बचा है मेरा टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू अपॉन में एन माइनस वन, एन माइनस टू, राइट, कुछ देखो कुछ कॉमन आ रहे कहां से, यहां से टू कॉमन, क्या बचा एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस टू कट गया, एन माइनस वन, एन माइनस वन, ये टू और ये ट्वेल्व सिक्स, तो क्या बचा टू एन माइनस वन बाय एन माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई टू एन माइनस वन सिक्स इंटू एन माइनस टू, सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा सर, सिक्स फोर एन, फोर एन इज इक्वल टू
होल्ड ऑन, कहाँ पे? एक मिनट एन, इसके अलावा टू भी बचा बेटा यहाँ पर, तो एक टू यहाँ से जो कटना था, एक टू ये बचा हुआ था, ये भी कटेगा अब, ठीक है इज इक्वल टू थ्री, टू एन माइनस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू एन माइनस टू, टू एन माइनस वन, थ्री एन माइनस सिक्स, क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ गई सर? क्लियर, ये पॉइंट है आपका। एक छोटा सा क्वेश्चन सिखा देता हूँ बस, एग्जाम्पल नंबर 18 है, एग्जाम्पल 18, अ कमेटी ऑफ थ्री पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टू मैन एंड थ्री वुमेन। पहले इतनी रैंक का मीनिंग बताओ बेटा, इतनी रैंक का इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी बताओ, तीन बंदों की क्या बनानी है बेटा, कमेटी, कितने में से? पांच, यानी टू मैन और, अभी अभी लिख लेते पहले, टू मैन और थ्री वुमेन है, ओके। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, इसको कितने वे में करा जा सकता है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हुआ, तो खुद बताओ क्या होगा, कमेटी बनानी है, क्या कमेटी में पहले दूसरे से कोई मैटर करता है? हेड या सब हेड होता तो, या को हेड होता तो मैटर करता, तो पहला क्या हो जाएगा सर? 5c3, यहाँ तक क्लियर, सॉल्व हो जाएगा तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस सी फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 2 into 1 into 3 factorial 10। आगे, how many of these committees would consist of one man and two women? मतलब कितनी कमेटी में एक मैन और टू वुमेन होंगी? अब ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ज्यादा ध्यान से। अब यहाँ आपकी चॉइस आ गई, सिलेक्शन आ गई ना, या मैं बोलू रिस्ट्रिक्शन आ गई, क्या कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई ना, क्या कि भाई पांच बंदे हैं, राइट, पांच है, पांच में से क्या है, टू मैन और थ्री वुमेन है, अब क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वन मैन एंड टू वुमेन, बोले यहां तक एक मैन और टू वुमेन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सर, बोलिए, बहुत सिंपल है भाई, कितने आदमी चाहिए, एक, ऑप्शन कितने हैं, दो, तो क्या हो जाएगा 2c1 इनटू, कितने चाहिए, दो वुमेन चाहिए, कितने ऑप्शन है, थ्री, तो 3c2, क्लियर, सॉल्व कर दो, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, इसको कर दो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा। होमवर्क, जब कंडीशन आ जाए ना कि मान लो दो वुमेन चाहिए, तीन वुमेन चाहिए, तो ये देखो उसके लिए टोटल चॉइस कितनी है मेरे पास, कितना आ रहा सॉल्व करके, ये टू से टू कट गया, वन फैक्टोरियल वन रहेगा, थ्री माइनस टू, तो सिक्स ही आ जाएगा, सही कह रहे हो। होमवर्क ज्यादा नहीं है, एक्सरसाइज 7.3 से एग्जाम्पल 16, क्वेश्चन 10, 11, एक्सरसाइज 7.4 से एग्जाम्पल 17, 18, 19 ट्राई में रहेगा, 19 छोड़ दो भी, ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज फुल है, एंड मिसलेनियस का भी क्वेश्चन दूंगा, मिसलेनियस का, क्योंकि हैंड टू हैंड हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 5 एंड 11, बस आज के लिए इतना काफी है।